स्केटर हूँ, स्केटिंग सिखाती हूँ, बच्चों को नेशनल ले जाती हूँ, खुद की मेरी एकेडमी है स्केटिंग की और पटना में चिड़ियाघर गेट नंबर 2 के पास से सारे स्केटर्स कोचेस की रैली निकाली जा रही है हम लोगों के द्वारा, बिहार स्केट एसोसिएशन के द्वारा। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग तो देखने वाले हो। इतने छोटे छोटे बच्चे, आप इसे देखो, ये इतनी छोटी सी है एंड सुबह 5:30 में उठ के यहाँ पे आई है और अभी हम लोग रैली पे जाएंगे, मजा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना और मिलते हैं चलते चलते। आप लोग देखो कि इतने सारे भीड़, मतलब 5:30 में लोग उठकर आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स आए हैं, कोचेज आए हैं, एसोसिएशन के हेड आए। तो अभी सबसे मिलवाने वाली हूँ, सबसे बात कराने वाली हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। नहीं मिल गया क्या आप? हाँ मिल गया। और ये सर हमारे जो कि पगड़ी के क्या कह सकते हैं उसको, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे को पगड़ी यही बांट रहे हैं। तो हमें मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, चलो आगे चलो। चॉकलेट लाए हो? चॉकलेट तो भूल गए सर साहब, चलो जल्दी जल्दी हाय करते, चलो हाय कस के एक साथ 1 2 3 हाय सीनियर, हाय कस के कस के। मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। अंदर अंदर आओ, गिरना नहीं। इतने ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अभी हम लोग जू के गेट नंबर 2 से सतमूर्ति गोल नंबर के पास जाने वाले हैं और हाफ रास्ता कवर कर लिए, हाफ अभी और कवर करना है और आई एम सो एक्साइटेड, एवरीवन इज सो एक्साइटेड। जो बिहार में कार्यरत है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शिल्पी राज देख सकते हो कि जनता का भीड़ कितना है, स्केटर्स तो है ही, ऑब्वियसली कोचेस है ही, लेकिन जो ऑडियंस भी है देखने के लिए वो बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उन्हें। ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती है और अगर आपके स्टेट या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हमारे साथ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अभी मैं इनसे जानना चाहूंगी कि सर आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है देखकर, इतने छोटे छोटे बच्चे स्केट पे रैली में, इतना खूबसूरत माहौल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार में ऐसे मौके जो है पहली बार मिल रहे हैं लोगों को, ठीक ना, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और कोच भी एंजॉय कर रहे हैं, प्लस जितना भी बिहार एसोसिएशन के हेड है वो लोग भी सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सब कोई मेंबर जो भी है। और आप लोगों को देखने में कितना मजा आ रहा है? बहुत मजे आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले हुआ कभी नहीं है बिहार में। तो मैम आप लोग से जानना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है ये रैली में, इतने छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और कुछ बताइए जल्दी जल्दी बताइए मैम, चलते चलते। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा हमेशा होना चाहिए हर इवेंट में। एग्जैक्ट भी करती है, बच्चों को मोटिवेट भी करती है, बच्चों को पता भी चलता है अपने देश के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, बहुत जरूरी है। एंड गेम के बारे में भी। हाँ, और गेम के बारे में वो तो है ही। Thank you.
पे बैठ गए हैं। सतमुच में आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और बच्चे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद अपने अपने घर लौट गए। और मैम से जानना चाहेंगे हम लोग कि मैम को कैसा लगा फाइनली रियली सक्सेसफुल लगा। और ये हमारी सबसे क्यूटेस्ट कोच है, लेडी कोच। थैंक यू, हर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड बच्चे भी इनसे बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं फाइनली। यहाँ पे हमारा रैली समाप्त होता है बिहार विधानमंडल के सामने सतमूर्ति गोलंबर के पास। और यहाँ पे बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, पानी वानी पियेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे। और सभी को बहुत मजा आया फाइनली, ये चीजें सक्सेसफुल हुआ जो हमने सोचा था, जैसे हमने सोचा था। बहुत लोग इकट्ठे हुए, स्केटर्स आए, पेरेंट्स आए, कोचेस आए, बहुत मजा आया, रियली बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये चीजें आपके साथ होती है कि नहीं, आपके स्टेट में होती है कि नहीं, जरूर बताना।